और इस बीच बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर, एआई से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 30 मिनट पहले टीचर्स तय किए जाएंगे, इसके साथ साथ में स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ही सेंटर होंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस बना ली है। योगी कैबिनेट जल्द इस पर मोहर लगा सकती है। अब इस गाइडलाइन के मुताबिक अभ्यर्थियों के मिलान के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे बस स्टेशन के 10 किलोमीटर की रेंज में ही एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। जिस तरीके से पेपर लीक हुए और अभी भी लगातार वो मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और परीक्षाओं को रद्द तक किया गया, तो ये बेहद गंभीर विषय है जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो रहा है। और उसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ताकि टीचर्स एंड पे डिसाइड होंगे तो पेपर लीक की जो गुंजाइश है वो कम होगी और साथ साथ में एआई भी यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा पेपर लीक को लेकर, उसको रोकने को लेकर ये बड़ा डिसीजन। देखिए, बड़ी बात यह है कि पेपर लीक को लेकर अब कानून भी आया और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूपी की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डिसीजन मेकिंग जो है उनकी वो बड़ी फास्ट रहती है, क्विक रहती है। तो जब पेपर लीक का मामला पूरे देश भर में इस वक्त सुर्खियों में है नीट में हुई धांधली के बाद,